राहुल गांधी ने फिर बीजेपी से किया सवाल। अडानी को लेकर राहुल का बीजेपी पर वार। जाने इस बार राहुल ने बीजेपी से क्या पूछा। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying, there's a very simple thing. ये जो 20,000 crore रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying, there's a very simple thing. ये जो 20,000 crore रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार कारोबारी गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप पीएम मोदी और बीजेपी पर लगाते रहते हैं। एक बार फिर इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। पत्रकारों के सवाल पर राहुल ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपना ही एक सवाल दाग दिया। वो सवाल क्या है, आप एक बार और सुनिए। Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying, there's a very simple thing. ये जो 20,000 crore रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? सुना आपने, राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बीजेपी आप पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है, तो इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी का सवाल ही सामने आया। राहुल ने पूछा कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनी में है, ये बेनामी है, ये किसके हैं? राहुल ने पूछा कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बीजेपी कह रही है कि आप न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं, तो इस पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि हर बार आप वही बात क्यों कह रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि ये किसके पैसे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया था। अब उन मुद्दों को उन्होंने किनारे रख दिया है। फिलहाल तो वो अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। संसद में भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने गौतम अडानी और पीएम मोदी की विमान में पुरानी तस्वीर को आधार बनाकर आरोप लगाया था कि अडानी को भरपूर फायदा पहुंचाया है। राहुल के संसद में दिए गए बयान में से कुछ हिस्सों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर हटाया भी गया था। इसे भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। यहाँ ये जान लीजिए कि मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही राहुल को जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसी सजा के खिलाफ याचिका पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।